हाय फ्रेंड्स, आप फूडी एंड ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं बनाऊंगी पाव भाजी, गाजर, गोभी, मटर, आलू, सारी सब्जियों को मैंने काट लिया है और अच्छे से वाश करके कुकर में पकाएंगे। इसमें मैंने ऐड किया है आधा कप पानी, नमक एक चम्मच, नमक थोड़ा ही ऐड करेंगे और एक सीटी आने तक पकाएंगे। ये देखिए पक गया है। अब इसको हम मैश करेंगे। ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है अभी, मैश करेंगे इसको मैशर की सहायता से अच्छे से। गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई में एक चम्मच घी ऐड कर दिया है। इसमें मैंने एक पिंच हींग ऐड की है, एक चम्मच जीरा ऐड किया है। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट करिएगा। जीरा पक गया है। अब इसमें ऐड किया है मैंने लहसुन कटा हुआ, इसको भी पकाएंगे अच्छे से। इसमें एक कटी हुई मिर्ची मैंने ऐड करी है। कटा हुआ प्याज ऐड किया है मैंने। कटी हुई शिमला मिर्च ऐड करी है, इसको भूनेंगे। गैस का अपने मीडियम ही रखेंगे। अब इसमें मैंने ऐड किया है कश्मीरी मिर्च, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें ऐड किया है मैंने टमाटर, ये देखिए टमाटर पक गया है। अब इसमें मैश की हुई सब्जियां ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे मैश करते हुए इस तरीके से। मैशर की सहायता से अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे सारी सब्जियां अच्छे से मैश हो जाएं इस तरीके से।
अब इसमें ऐड करेंगे पानी, पानी थोड़ा सा ही ऐड करेंगे। मैंने आधा कप पानी ऐड किया है। अब इसमें ऐड करेंगे पाव भाजी मसाला, एक बड़ा चम्मच, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से। अब हम ऐड करेंगे नमक, नमक स्वाद अनुसार ऐड करेंगे, और थोड़ा कम ही ऐड करेंगे क्योंकि सब्जियों को पकाते समय भी उसमें नमक ऐड किया था हमने। इसमें ऐड किएंगे हरा धनिया, आधा नींबू का रस, बस ये बन के रेडी है। अब हम पाव सेकेंगे पैन में। मैं ऐड करूँगी बटर, पाव को बीच से कट कर लेंगे 2 पीस में, और इस तरीके से तवे पे रख देंगे। ये देखिए, गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। ये देखिए, ये सिक गए हैं। ये देखिए, ये सिक के रेडी हो गए हैं। ये देखिए, पाव भाजी खाने के लिए रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।